दोस्तों कहानी उस इंसान की जो समुद्र में 438 दिनों तक जिंदा रहकर वापस लौटा। पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी हादसे का शिकार हो गए हैं और कहीं ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां आपका कोई अपना नहीं है। आपके पास ना भूख मिटाने के लिए खाना है और ना ही वापसी की कोई उम्मीद। आपका दिमाग भी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। अब अपनी आंखें खोलिए और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि यह आपकी कल्पना भर है। मगर क्या आप जानते हैं कि यह किसी इंसान की असली कहानी है। यह कहानी एक निडर मछुआरे जॉर्ज सल्वाडोर अल्वारेगा की है। वही अल्वारेगा जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरा तो लेकिन उसे वापसी में पूरे 438 दिन लग गए। दोस्तों 17 नवंबर 2012 यह वह तारीख है। अल्वारेगा मेक्सिको के एक गांव से निकला और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने उतर गया। इस यात्रा में उसके साथ उसका एक साथी भी था। मछली पकड़ने में उसे अल्वारेगा जितनी महारत हासिल नहीं थी मगर वो खुद को निखार रहा था। अल्वारेगा की योजना के हिसाब से उसकी यह यात्रा करीब एक दिन तक चलने वाली थी। इस दौरान ब्लैक टिप शार्क और सेलफिश को पकड़ने का उसका प्लान था। सब कुछ योजना के अनुसार ही शुरू हुआ था मगर तभी एक खतरनाक तूफान ने अपनी दस्तक दे दी। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण उसे खतरे की चेतावनी मिल चुकी थी। बावजूद इसके वो अपने सिंगल इंजन वाली टॉपलेस बोट के सहारे आगे बढ़ता रहा। यह रिस्क उसे भारी पड़ा। 5 दिवसीय तूफान उसे अपने साथ बाहर ले गया। जिस रेडियो से वो मदद मांग सकता था वो भी नष्ट हो चुका था। बोट का वजन कम करने के लिए अल्वारेगा ने 500 किलो वजन के बराबर अपनी सारी मछली फेंक दी। अब उसके पास ना तो खाने के लिए राशन था, ना रोशनी थी और ना ही किनारे से संपर्क करने का कोई तरीका। खुले समुन्द्र में उसकी बोट बेलगाम आगे बढ़े जा रही थी। भूख लगने पर वो अपने हाथों से मछली कछुए जैसे समुद्री पक्षी पकड़ता और उनका मांस कच्चा ही खा जाता। पीने के लिए अल्वारेगा ने बारिश के पानी का सहारा लिया। एक पल ऐसा भी आया जब उसके पास पीने के लिए पानी नहीं बचा। ऐसे में उसने कछुओं का खून और अपना मूत्र तक पी लिया। करीब 4 महीने बाद सल्वाडोर के साथी ने कच्चे मांस को खाने से मना कर दिया और भूखमरी से मर गया। मगर सल्वाडोर ने जिंदा रहने के लिए सब कुछ जारी रखा। सल्वाडोर अपने शुरुआती बिंदु से 10,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर था। खुद को भगवान के सहारे छोड़कर अल्वारेगा ने खुद को अपनी वोट के सहारे सौंप दिया। वह खुनी आंखों से आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखता इस उम्मीद के साथ कि कोई उसकी मदद के लिए आएगा। उसने अपने आसपास कई सारे जहाजों की चहल कदमी महसूस की मगर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस अकेलेपन में अल्वारेगा ने गीतों और भजनों को समय काटने का साधन बनाया। 30 जनवरी 2014 को 438 नारकीय दिनों के बाद अल्वारेगा ने कुछ दूरी पर पहाड़ों को देखा। यह मार्शल द्वीप समूह का एक छोटा सा कोना था। उसने अपनी नाव छोड़ी और तैरकर किनारे पर आ गया। आखिरकार वह जमीन पर था। किनारे पर पहुंचकर जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करता वो गिरकर बेहोश हो जाता। जल्दी ही वहाँ से स्थानीय लोगों की उस पर नजर पड़ी और वो उसे अपने घर लेकर आए। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अल्वारेगा के बारे में सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि अल्वारेगा के टखने सूजे हुए थे। उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी। वो मुश्किल से चल पा रहा था। उसके बाल किसी झाड़ी की तरह उलझ गए थे। लिहाजा उन्हें लगा कि सल्वाडोर अल्वारेगा के साथ किसी ने बर्बरता की है जबकि सच कुछ और था। आगे अल्वारेगा की कहानी की सत्यता के लिए कई तरह की जांच की गई और हर जांच इस बात की तस्दीक करती है कि अल्वारेगा की कहानी एकदम सही थी। अल्वारेगा जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। सभी ने उसे मृत मान लिया था। सबसे ज्यादा खुशी अल्वारेगा की माता पिता और उसकी बच्ची को हुई। 14 साल की बेटी फातिमा अल्वारेगा के जाने के बाद अपने नाना के साथ रहती थी। दोस्तों ये कहानी थी एक ऐसे आदमी की जो 400 से भी ज्यादा दिनों तक समुद्र में रहा और अपनी हिम्मत के बूते पर जिंदा वापस लौट कर आया।